आप यहाँ क्या कर रही हैं? हेलो फायजा, हो ना तुम? ये मेरा कमरा, आप प्लीज जाएं यहाँ से, आप यहाँ नहीं रह सकती। ये तुम्हारा कमरा था, अब मेरा कमरा है। वैसे तुम तो बच्ची हो ना, एडजस्ट कर लो ना कहीं। आपने बस से कह के मुझे मेरे रूम से निकाला है ना? क्या बेकार है हमने आपका, क्यों कर रही हैं आप ये सब? अरे मैंने क्या कर दिया, मैं तो यहाँ आई हूँ तुम लोगों के साथ मिलके रहने के लिए। हमारा भी तो रिश्ता है ना आखिर। मुझे नहीं रहना आपके साथ, कोई रिश्ता नहीं है मेरा आपके साथ। पहले आपने मेरे अब्बा को मुझसे दूर किया, उसके बाद मेरे घर पर आके बैठ गई और अब मेरे उन पर कब्जा कर रही हैं आप। बिल्कुल अपनी अम्मा की तरह बोलती हो टिट्टो, पर मैं उतनी बुरी भी नहीं हूँ जितना तुमने समझ लिया है मुझे। देखो मैंने तुम्हारे सामान को हाथ नहीं लगाया, सब कुछ वैसे ही रखा। आप हाथ लगा भी नहीं सकते, ये मेरा सामान है, यहीं पे रहेगा क्योंकि मेरा कमरा है। आप जाए यहाँ से। अच्छा तुम एक काम करो, तुम अपने अब्बा से जाके बोलो ये बात, ठीक है? अगर वो मुझे कहेंगे तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से, और अगर तुमसे बात नहीं हो रही तो मैं कर लेती हूँ। आप बस बहुत 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 ज्यादा बुरी हैं। अच्छा ठीक है, बुरी हूँ मैं, मान लिया, पर इससे पहले मैं और बुरी हो जाऊं और तुम्हारा सामान रख लूं और वापस ना दूं। आज भाई साहब जिंदा होते ना, कभी नहीं होने देते मेरे साथ ऐसा। हबीब से बात की? हबीब से बात करती मैं, वो बात सुनेगा मेरी? इधर इधर मुझे धमकी भी कर दिया है। कर लो राहिला को कबूल, बुरा पड़े रहो कोने में कहीं। कहाँ जाऊंगी मैं, कौन सा है मेरा ठिकाना? अब ऐसी डर में जीती रहूंगी क्या? हमें जुल्म हो गया। कमजोर नहीं हो तुम, अकेली नहीं हो, तुम्हारी बेटियां हैं, तुम्हारी और अबीब के बच्चे, तुम्हारी औलाद तुम्हें मजबूत करते हैं, तुम्हारे और अबीब के रिश्ते को मजबूत करते हैं। कौन सा रिश्ता भाभी, कौन सा रिश्ता? नाम का है रिश्ता, मैं रिश्ते की बात कर रही हूँ। देखा नहीं अभी बाहर क्या हुआ है? उस शख्स को अगर अपनी बेटी होगी इतनी सी परवाह होती ना, ये जुल्म नहीं करता अपने बच्चियों पर। संगत कर दिया लाके उसको घर पे। मेरे लिए तो कुछ नहीं कर सकी ना, लेकिन तुम्हें अपने बेटियों के लिए कुछ करना है, उन्हें उनका हक दिलाना है। और तुम कमजोर नहीं पड़ सकती हो आयशा, तुम्हें मजबूत होना होगा। तुम कमजोर नहीं पड़ सकती हो, और तुम्हें क्या लगता है ये अभी जो जो कहेगा, जो उसका दिल चाहेगा कहेगा और सब मान लेंगे क्या? हाँ आपने देखा नहीं, कबूल कर नहीं लिया कि सबने सबने कबूल कर लिया भाभी? कौन बोला कबूल कैसे कर हुए थे सब? एक लफ्ज भी बोला वो ले आया उसको अंदर घर में, हाथ पकड़ कर नहीं कर दिया सबके सामने से, एक ग्लास नहीं बोला किसी ने। और अम्मा 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 की मर्जी के खिलाफ तो इस घर में कुछ नहीं हो सकता। अगर वो चाहती तो राहिला दहलीज पार कर सकती थी क्या भाभी? नहीं, उसे अम्मा ने भी साथ नहीं दिया, मेरा कोई नहीं हो, मेरा कोई नहीं है। कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ, कल भी थी और आज भी हूँ और हमेशा रहूंगी, तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं बताए भाभी एक काम पे है, इसने मेरा हमेशा साथ दिया। मेरी बात मानो यस, तुम्हें बड़ी समझदारी से काम लेना है, अपनी बच्चियों के लिए मजबूत होना है। तुम्हें एक एक करके इस घर के हर शख्स को अपनी तरफ करना है। जब सब तुम्हारी तरफ होंगे और राहिला के खिलाफ, तो हबीब कमजोर पड़ेगा।
होगा फिर वो वही करेगा जो उसको करना चाहिए, उसे करना पड़ेगा। तुम अकेली नहीं हो। अबीब, अभी अगर आहिला के हवाले से कोई बात करनी है तो मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। तुमने जो कुछ आयशा के साथ किया है ना, बिल्कुल ठीक नहीं किया है। आपको आयशा की फिक्र है या अपनी? मैं कुछ समझी ना? क्योंकि आयशा से ज्यादा आप मुझे परेशान लग रही हैं। मैं अब ये तो नहीं सोच रही हैं कि आपकी बराबरी करने वाली, आपके बराबर खड़े होकर अपनी बात मनवाने वाली इस घर में आ गई है, ये तो नहीं सोच रही आप? अबीब, तुम्हें अब तक रिश्तों की पहचान नहीं हो सकी? हो सकता है, अगर लोगों की पहचान करना आ गई है मुझे भाभी, मैं बता सकता हूँ आप क्यों परेशान है राहिला को लेकर। क्योंकि वो आयशा नहीं, वो सीधी नहीं, वो आपकी बातों में इतनी आसानी से आएगी नहीं। मुझे यकीन नहीं आ रहा हबीब के तुम वही हबीब जो अपने बड़े भाई के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था, एक टांग पर खड़ा रहने को तैयार रहता था। भाभी भाभी करते उसकी जबान नहीं थकती थी, तुम वो हबीब तो नहीं हो। अभी वक्त बदल गया है, अब मेरा पलड़ा भारी है। अब आप मुझे वो जी हुजूरी वाला हबीब समझने की गलती मत कीजिएगा, समझ गए आप? क्या बना रही हो आज खाने में? आलू की भुजिया बना रही हूँ और दादी के लिए दाल चावल बना रही हूँ। अम्मा ने बिरयानी का नहीं कहा था? इस घर में किसी की दावत नहीं हो रही है, कोरमा और बिरयानी बनेगा। मुझे पता है ये सब राहिला की वजह से हो रहा है। अम्मा इतनी जल्दी बदल जाएंगी जी उम्मीद नहीं थी। आशा, मैंने तुम्हें समझाया है ना, अक्ल से काम लो, समझदारी से काम लो, सब्र करो। सब्र अब अजाब में बदल चुका है भाभी। ये किचन मेरा है, जो मैं चाहूंगी वो बनेगा। जिसने खाना है खाए, नहीं खाना तो खुद बैठ के खा ले। मैं अंदर आ सकती? क्या काम है? वो हबीब के लिए चाय बनानी थी। तुम्हारे लिए बेहतर होगा चली जाओ यहां से। अब्बा इस वक्त चाय नहीं पीते, हमारे करीब आने की कोशिश मत करें आप। आप लोग इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? चाय बनाने की बात ही तो कर रही हूं। मैंने कौन सा कहा है कि मैं इस घर पे कब्जा कर लूंगी? तुम जाओ, हबीब को चाय मिल जाएगी। और किचन में आना हो तो उस वक्त आना जब यहां कोई ना हो। क्या किया तुमने मेरे साथ? है? क्या हो रहा है मुझे? क्यों हो रही थी तकलीफ मुझे? समझ नहीं आ रही मुझे कोई चीज। ठीक है, अगर नहीं समझ आता मैं मेरे साथ हो, इसे तो नहीं छोड़ के जाते ना? क्या वो बात नहीं करनी मुझसे? ठीक है, मुझे भी नहीं करनी।
ठीक है, ठीक।